हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन अदर ब्लॉग। सो आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई एम बैक विद माय न्यू ब्लॉग एंड मीट माय ब्रो अनुप्रिया। सो गाइस, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई की शादी है और आज है 26th of December। आज है मेहंदी, उसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे। कल है हल्दी और मेरे साथ हो गया एक हादसा। दो दिन पहले मेरा पैर टूट चुका है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मेरे भाई लोग और बाकी सब लोग कर रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा है। कर्मचारी या मेरे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी नंबर वन, आज मेरे भैया की शादी है। अबे उससे अच्छा ही गाता हूँ, ठीक है। और इधर बाकी सब काम कर रहे हैं, ये रहे तो हैप्पी। हैप्पी से हाय टू माय व्लॉग। सो गाइस, आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ। सेकंड कर्मचारी है और ये थर्ड कर्मचारी और ये फोर्थ कर्मचारी है जो हम वहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, ये हो चुका है प्रिपरेशन, हो रहा है, मतलब आगे चल ही रहा है और ये बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रहा है। और गाइस, ये है चाय जो हम चाय पी के अपना दिन को स्टार्ट कर, मतलब डे स्टार्ट करते हैं। झरना दीदी, व्लॉग बन रहा है, करो झरना दीदी। हाय। सो गाइस, हम यहाँ पे बहुत मेहनत हो रहा है। ये फोर्थ एंड फिफ्थ कर्मचारी हम लोग के और मैं सिक्स्थ कर्मचारी, छोटी हूँ चाय पीते हुए। और ये हो चुका है, आधा इधर बचा है, आधा हो ही रहा है तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हमारे पास एक लास्ट कर्मचारी भी है जो कुछ काम कर नहीं, बस बैठे रहता है। मीठा कर्मचारी। तो गाइज, मेहंदी की रस्म हो चुकी है और मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा किए नहीं मेहंदी का, क्योंकि मतलब भैया को इतना पसंद नहीं इसलिए, और फिर लड़के का था तो इसलिए इतना हुआ नहीं। बाकी मेहंदी की रस्म हो चुकी है, अभी दीदी मेरे में लगाएगी, थोड़ा सा मेरे को टैटू वगैरह बनवाना है तो मेरे में बनाएगा। बाकी कल है हल्दी सुबह, तो कल मैं हल्दी का दिखाऊंगा अच्छे से। कल हल्दी बहुत अच्छे सेलिब्रेट करने वाले हैं। बाकी मैं बहुत सारे सरप्राइजेस सोच के रखा था अपने भाई के लिए, बट क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 24th को मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका एक स्टोरी है जो मैं बाद में बताऊँगा कैसे हुआ, क्या हुआ मेरे पैर का। बाकी ठीक है, जैसा है हो गया तो मैं कल दिखाऊंगा हल्दी का क्या क्या होता है, कैसे होता है। जो मैंने डेकोरेशन किया था हल्दी के लिए, वो हवा आया, सारा डेकोरेशन ख़राब हो गया। मैं कल फिर से सुबह उठ के डेकोरेट करना पड़ेगा। मतलब मैं तो बैठे बैठे वाला काम करता हूँ, बाकी सब दूसरे भाई बहन लोग करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, दीदी अभी आती है, मेरे हाथ में लगाएगी, फिर मैं सो जाऊंगा और फिर कल दिखाता हूँ सारे हल्दी के फंक्शन का पूरा चीज। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल हम। हेलो एवरीवन, अनदर डे सेम व्लॉग। तो आज है मेरे भाई का हल्दी हाथ और मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ। एंड ये पीछे आप देख रहे डेकोरेशन जो हमने कल रात में किया था, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो अभी आ रहे हैं दीदी लोग, उसके बाद फिर इसको ठीक से करें बनाएंगे, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसा डेकोरेशन हुआ है। बाकी जब हल्दी स्टार्ट होगा हम इसको रेडी हो जाएंगे तो पूरा दिखाऊंगा अच्छे से, है ना दीदी। हाँ, तो दिखाता हूँ बाकी आगे का क्या होता है। और काफ़ी लेट हो गया है और अभी टेंट वाले लोग आधा काम किया, मैंने सब कुछ चमकाया, अभी तो स्टार्ट हुआ है सारा काम। और बाकी यह पीछे देख रहे डेकोरेशन जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अभी दीदी आके फिर उसको ठीक करेगी, फिर दिखाता हूँ मैं हल्दी हाथ क्या क्या सब चीज़ को। सो गाइस, वी आर रेडी फॉर हल्दी हाथ एंड दिस इज अवर लुक एंड सब आ गए हैं। अब थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, फिर दिखाता हूँ सारे फंक्शन कैसे कैसे होते हैं। ये मेरा है, इससे मैं चलता हूँ, बाकी दिखाता हूँ क्या क्या होता है। ये है भैया मेरा भाई, प्यारा भाई, मेरा प्यारा भाई है भैया मेरे बिना। आजा, ये हमारा जॉय टू द वर्ल्ड।
ओके सो गाइस हल्दी हो चुकी है पूरी तरीके से। देखो ऐसा लग रहा है कि मैं ही मेन दूल्हा हूँ। तो हल्दी पूरी हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ नहाने अपने भैया के यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी पूरा ख़त्म हो गया और भरने में टाइम लगेगा और ज़्यादा तक मैं ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने भैया के यहाँ, वहाँ नहाऊँगा। उसके बाद फिर क्या क्या होता है सारी चीज़ें दिखाता हूँ। नहाना धोना तो अब हो गया है और हम अभी धूप सेक रहे हैं क्योंकि मम्मी लोग गए हुए हैं तखतपुर वो भाभी का सामान छोड़ने के लिए। तो और ये मेरे साथ बैठी है अन्नू दीदी अन्नू दीदी बैठी है जो कि कैमरा में आना चाहती है बट पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। और ये है इनका क्रिसमस ट्री जो इन्होंने डेकोरेट किया जिसमें इनको सेकंड प्राइज मिला और हमें फर्स्ट प्राइज मिला। बात ऐसा नहीं है मेरा ज़्यादा प्यार दिख रहा है लेकिन एक बच्ची है वो इनका नाम उठा दिया है, ऐसे लोग आते रहते हैं। हम फर्स्ट आए हैं और ये लोग सेकंड आए हैं तो ये खाली झगड़ा कर रहे बाकी इनका ही बहुत प्यारा बना है। पता नहीं क्यों मेरी आदत कब जाएगी, पता नहीं कभी जाएगी भी या नहीं, कि मैं ना ब्लॉग बनाता तो हूँ बट एंडिंग नहीं कर पाता। मतलब मैं हमेशा का है मेरा कि मैं ब्लॉग एंडिंग कर ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों मैं भूल जाता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ बट जो लास्ट है तो उसको एंड करता ही नहीं। तो अभी मैं एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैं अपना ब्लॉग एंडिंग किया ही नहीं है। सो मैंने हल्दी के बहुत सारे चीज़ें कैप्चर किए बट क्योंकि मेरे पैर का जो है ना इसकी वजह से मैं बहुत से अच्छे अच्छे जो क्लिप्स हैं वो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो एक जगह बैठे बैठे जितना कर सकता था उतना किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करने का है, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, देखिए, शेयर कीजिए और हाँ इंस्टाग्राम में भी ज़रूर पढ़ाइए, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए ताकि मैं और अच्छा आपको एंटरटेन कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, जाओ।